हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आप सभी लोगों को दोस्तों दिवाली की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को तो मालूम है आज दिवाली है, दिवाली का सीजन चालू है। दिवाली में बहुत सारे लोग अपने लिए और अपने फैमिली के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके आ रहे हैं और दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज भी हम आपके लिए एक ऐसा गिफ्ट लेके आए हैं, एक ऐसे सेक्टर से, एक आपके लिए इनसाइड द यूनिवर्सल बॉक्स में क्या है खास, चलिए देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों को तो मालूम होंगे कि इस दिवाली सीजन में, दिवाली फेस्टिवल में हमारी फैमिली कहीं पे ना कहीं पे क्या करती है, नई चीजें हम दिवाली पे लेके आते हैं, चाहे वो नई बाइक हो या नई कार हो। जी हाँ दोस्तों, हाँ मैं बात करने जा रहा हूँ आज ऑटोमोबाइल सेक्टर रिलेटेड न्यूज के बारे में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी इनसाइड द यूनिवर्सल बॉक्स न्यूज। अब देखा जाए दोस्तों, देखिए यहाँ पे अगर एक नई बाइक लेना चाहते हो आप, तो थोड़ी देर के लिए रुकना ही जरूरी है, क्योंकि आप इस दिवाली में एक अच्छी खासी बाइक ले सकते हो, वो भी एक अच्छी ब्रांड की। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ रॉयल एनफील्ड की नई मोस्ट अवेटेड बाइक, रॉयल एनफील्ड मेटियोर की। जी हाँ दोस्तों, रॉयल एनफील्ड मेटियोर जो हाल ही में लॉन्च हो चुकी है 350, तो एक बेहतरीन, एक जबरदस्त पैकेज है उस बाइक में। अगर आप देखा जाए तो उसके स्पेसिफिकेशन कि अगर मैं बात करता हूँ तो वो एक जबरदस्त बुलेट एक लेवल की बाइक है। और दोस्तों रॉयल एनफील्ड ने अपनी नई बुलेट मेटियोर 350 इंडियन मार्केट में लॉन्च की है। अगर इसके हम स्पेसिफिकेशन की अगर बात करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक जबरदस्त परफॉर्मेंस वाली एक बाइक मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम इंजन की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको 350 सीसी का एक जबरदस्त पावरफुल इंजन जो 20 हॉर्स पावर के साथ जो आपको 27 एनएम का टॉर्क रिजनरेट करने को मिलता है इस बाइक में। अगर इस बाइक की अगर हम बात करते हैं, तो ये बहुत एक अपने सेगमेंट में एक दो कदम आगे रहने वाली एक बाइक है, जहाँ पे आपको बहुत सारी एक स्मार्ट कनेक्टिविटी के साथ ये आपको बाइक मिलने वाली है, और ये सब चीजें इसको बेहतरीन प्रकार से सूट करती हैं। दोस्तों यहाँ पे आप रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 में देख सकते हैं कि यहाँ पे आप रॉयल एनफील्ड की जो एक एप्लीकेशन है, इस मदद से आप क्या कर सकते हो, अपना मोबाइल फोन इस बाइक से कनेक्ट कर सकते हो, जहाँ पे आपको एक बेहतरीन एक्सपीरियंस भी मिल जाता है। अगर इसके और स्पेसिफिकेशन की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको डिजिटल एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी देखने को मिलेगा, साथ ही साथ इसका ऑडोमीटर, ट्रिपोमीटर, सर्विस रिमाइंडर जैसे ऑप्शन, फ्यूल गेज, ये सभी ऑप्शन आपको यहाँ पे क्या मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। अब कनेक्टिविटी की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आप रॉयल एनफील्ड की ऐप के माध्यम से अपना फोन इस बाइक को कनेक्ट कर सकते हो, जहाँ से आप एक बेहतरीन क्या कर सकते हो, बाइक को कंट्रोल पोजीशन में ला सकते हो। एक बहुत ही एक अच्छा कनेक्टिविटी ऑप्शन, इस प्रकार का ऑप्शन ये पहली बार रॉयल एनफील्ड ने अपनी बुलेट जैसे एक बाइक सेगमेंट में पहली बार वो दिया है। दोस्तों अगर हम बाइक चला रहे हैं, तो बाइक पे सेफ्टी होना भी जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, अगर बाइक में सेफ्टी ना हो तो बाइक चलाने में मजा नहीं आता है। जी हाँ दोस्तों, रॉयल एनफील्ड इस पायदान में सबसे आगे ही रहती है। अगर हम सेफ्टी की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको कंपनी की तरफ से दो लोगों के लिए एक जबरदस्त एडजस्टेबल क्या है, एक सीटिंग पोजीशन दी है, एक बढ़िया सीट एडजस्टेबल की गई है, और पीछे में एक बैक रेस्ट भी दिया गया है। अगर यहाँ पे अगर और सेफ्टी की बात करते हैं, तो यहाँ आपको ड्यूअल चैनल, आपको यहाँ पे ABS मिल जाता है, ट्विन शॉक एब्जॉर्ब मिल जाते हैं, और LED DRL वाले सर्कुलर हैलोजन हेडलैम्प्स भी आपको मिल जाते हैं, और LED टेल लैम्प्स भी आपको मिल जाते हैं। और बात कर देखा जाए, तो यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक लार्ज भी मिल जाता है। तो अगर आप रॉयल एनफील्ड खरीदना चाहते हैं, तो आपको कम से कम 1 लाख के ऊपर तो इसका बजट बढ़ाना ही होता है, क्योंकि देखा जाए तो रॉयल एनफील्ड एक ऐसी बाइक है, एक ऐसा प्रेस्टीज चलाने में आता है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो इस रॉयल एनफील्ड बुलेट मेटियोर 350 की अगर हम कॉम्पिटिशन करते हैं बाकी कंपनियों की बाइक से, तो ये डायरेक्टली उन कंपनियों का एक कॉम्पिट जाता है, जो देखा जाए तो ये एक अपने सेगमेंट में, अपने मार्केट में होंडा की हाइनस से कम्पीट कर सकती है, और जावा कंपनी की ट्विन बाइक से कम्पीट कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो एक अलग अलग लेवल के, देखा जाए तो एक बाइक अलग अलग कंपनियों की तैयार है, क्योंकि अगर हम बुलेट की अगर बात करते हैं, तो डायरेक्टली होंडा की
CB350 के साथ होंडा के हाईनेस 350 इसके साथ डायरेक्टली कम्पीट हो सकता है। जाके अगर हम प्राइस की बात करते हैं होंडा हाईनेस की, तो ये आपको कम से कम एक शोरूम में 1,85,000 के आसपास आपको देखने को मिल सकती है। अगर इस जावा की ट्विन बाइक की अगर हम बात करते हैं, तो ये भी आपको कम से कम 1,65,000 तक आपको एक शोरूम में मिल जाती है। और इस आज की रॉयल एनफील्ड बुलेट मेटियोर 350 की बात करते हैं, तो ये भी आपको अगर लेना चाहते हो तो भी आपको कम से कम 1.5 लाख के ऊपर के बजट में आपको इसके लिए पेड करना होगा। और दोस्त देखिए, एक अलग अलग वेरिएंट में आपको ये बुलेट की मेटियोर 350 आपको ही मिल सकती है, जहाँ पे देखा जाए तो अलग अलग सेगमेंट में। पहला दोस्तों, आप सभी लोगों को अगर लगता है कि आपकी खुद की बाइक या स्कूटर आपको हमेशा चोरी होने का डर सताते रहता है आपको मन में, तो टेंशन मत लीजिए। इसके ऊपर भी एक अच्छा खासा एक एक्सपेरिमेंट उपाय है, जहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको आपकी बाइक सेफ्टी की तरह, पूरी सिक्योरिटी की तरह आपको क्या मिल सकती है, इसकी संभावना मिल सकती है सिर्फ एक चीज की वजह से, एंटी थेफ्ट डिस्क ब्रेक सिक्योरिटी लॉक की वजह से। जी हाँ दोस्तों, एंटी थेफ्ट डिस्क ब्रेक सिक्योरिटी लॉक जो है, जो देखा जाए तो जो भी एक स्कूटर, जो भी टू व्हीलर होती है जिसके अंदर डिस्क ब्रेक दिया जाता है, उस डिस्क ब्रेक के ऊपर ये लगा दिया जाता है। अब ये डिस्क ब्रेक के ऊपर लगा दिए जाने से क्या होता है, तो कोई भी इंसान मान के चलो आपकी गाड़ी चोरी करने की कोशिश करता है, तो सिर्फ गाड़ी चालू तो कर सकता है, स्टार्ट तो कर सकता है, पर उसे लेके नहीं जा सकता, और वो भी आपको इसकी रिमाइंडर भी लॉक दे सकता है। तो ये एक अच्छी बात है कि एंटी थेफ्ट डिस्क ब्रेक सिक्योरिटी लॉक, ये इस चीज की एक बहुत जबरदस्त एक सिक्योरिटी है, जहां पे आप अपनी बाइक और अपने स्कूटर को अच्छी तरह सुरक्षित रख सकते हैं। ये एंटी थेफ्ट डिस्क ब्रेक सिक्योरिटी लॉक की अगर हम स्पेसिफिकेशन का अगर बात करते हैं, तो ये देखा जाए तो एक पोर्टेबल लॉक है, जहां पे आप कहीं पे भी इसको साथ लेकर घूम सकते हैं। मतलब इसकी मैन्युफैक्चरिंग में हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको स्टील, आयरन, जिंक अलॉय का इस्तेमाल किया जाता है इस लॉक में, जो आपको कम से कम एक बेहतरीन एक्सपीरियंस देता है। और ये बहुत ही किफायती और मजबूत लॉक होता है, जहाँ पे आपको एक फीमेल पोर्ट के साथ इसकी चाबी आती है, जहाँ पे सिर्फ एक ही चाबी लगती है, दूसरी कोई भी चाबी इस लॉक में इस्तेमाल नहीं की जा सकती। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये लॉक परचेस करना चाहते हैं आपके बाइक या स्कूटर की सिक्योरिटी के लिए, तो ये आप अपने किसी भी वेबसाइट या ऑफलाइन स्टोर के माध्यम से ये आप कम से कम इसकी 200 से 250 रुपए में इसकी आप परचेस आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हो। आज की खबर और है कि निसान ऑटोमोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने ऐलान किया है कि उनकी एक जबरदस्त कम्पैक्ट SUV, जो बेस्ट सेगमेंट की कार है, जो निसान मैग्नेट के नाम से है, वो आने वाले हैं इस महीने में 26 से 27 तारीख को क्या करने वाले हैं, लॉन्च करने जा रहे हैं। अगर इस निसान मैग्नेट के सेगमेंट कार के अगर बात करते हैं SUV के बारे में, तो यहाँ पे आपको एक नंबर वन हाईलाइट देखने को मिलेगा, वो ये कि इसका 360 डिग्री कैमरा। जी हाँ दोस्तों, 360 डिग्री कैमरा जो इस सेगमेंट का एक बेहतरीन शानदार फीचर है। निसान ऑटोमोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी अनऑफिशियल तरीके से इसकी निसान मैग्नेट कार की बुकिंग शुरू कर दी है। जी हाँ दोस्तों, इस फेस्टिवल, दिवाली फेस्टिवल सीजन में उन्होंने अनऑफिशियली कम से कम 11,000 से लेकर 25,000 रुपए तक क्या की है, निसान मैग्नेट कार की बुकिंग शुरू कर दी है। दोस्तों निसान मैग्नेट की अगर हम बात करते हैं इस कंपैक्ट SUV के अगर बारे में, इसके स्पेसिफिकेशन और इंजन के बारे में, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है नेचुरल एस्पिरेटेड P4D ड्यूल VVT 1 लीटर पेट्रोल इंजन, जो आपको 72 BH का एक टॉर्क देता है, जो एक पावर देता है। यहाँ पे इस इंजन के साथ आपको 5-स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स भी जोड़ा गया है। अगर इस निसान मैग्नेट के टॉप एंड वेरिएंट की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको HRAO का टर्बो चार्ज 1 लीटर का पेट्रोल इंजन मिल जाता है, जो 5-स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और CVT ऑटोमेटिक के साथ लेस होगा, जो आपको 95 हॉर्स पावर की पावर जनरेट करेगा। हालांकि कंपनी ने इस कार के डीजल वेरिएंट की बात नहीं की है, पर जो भी 26-27 तारीख को ये कार लॉन्च होगी, ये पेट्रोल वेरिएंट में ही लॉन्च होगी। निसान मैग्नेट अपने सेगमेंट में ये क्या बेस्ट क्यों होने वाली दोस्तों, क्योंकि इसके 360 डिग्री अराउंड
व्यू मॉनिटर के साथ। जी हाँ दोस्तों, इसका 360 डिग्री वाला है कैमरा जो कार के चारों तरफ होने वाला है, जो आप अपने चारों तरफ का बेस्ट व्यू एक्सपीरियंस यहाँ पे देख सकते हो। जी हाँ दोस्तों, एक बटन के माध्यम से ही इस कार में आप अलग अलग लिस्ट सिलेक्ट कर सकते हो। एक बेस्ट एक्सपीरियंस इस कार के साथ आप देख सकते हो दोस्तों। इसके साथ ही आपको यहाँ पे ड्यूअल एयरबैग्स, ईबीडी के साथ एपीएस, सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम, और देखा जाए तो यहाँ पे आपको सेंसिबल डोर लॉक सिस्टम भी आपको देखने को मिल जाती है। फ्रेंड्स, इस गाड़ी में अगर आपके सामान्य फीचर्स के अलावा भी एक और फीचर भी दिए हैं, जहाँ पे आपको व्हीकल डायनामिक कंट्रोल मिल जाता है, हिल स्टार्ट असिस्ट सिस्टम आपको देखने को मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल भी आपने को देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम के साथ एंटी रोल बार के साथ चेसिस और सस्पेंशन भी यहाँ पे आपको दिए गए हैं। अब यहाँ पे आपको और अन्य फीचर्स देखा जाए तो वायरलेस चार्जिंग पैड भी आपको यहाँ पे ऑटो क्लाइमेट एयरकॉन नॉब के नीचे भी दिया जाता है। तो यहाँ पे अगर इस निसान मैग्नेट के अगर हम प्राइस की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पे प्राइस लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि इस प्राइस रेंज में अगर एक कार लॉन्च होती है कम से कम 5-5.5 लाख या 8 लाख के अंदर के बजट में, तो एक अच्छा बजट ये क्या हो सकता है, साबित हो सकता है। जो अगर अच्छे बड़े अच्छे कंपनियों को, चाहे फोर्ड के हो गए, मारुति सुजुकी हो गए, एक अच्छी कंपनी है को क्या कर सकती है, एक अच्छी कड़ी टक्कर ये निसान की मैग्नेट दे सकती है। फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा कि जर्मन कार ब्रांड फोक्सवैगन अपने नए दो कार लॉन्च करने जा रही है, वो भी सब 4 मीटर कम्पैक्ट सेगमेंट के अंदर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे सुनने तो आया है एक टी रॉक और टिगुआन के नाम से यहाँ पे आपको एक नई नवेली दो कार आपको देखने को मिल सकती है आने वाले कम से कम दिसंबर या 2021 के जनवरी के शुरुआत में। फ्रेंड्स, जर्मन कार ब्रांड फोक्सवैगन का कहना है कि वो अपने टी रॉक और टिगुआन इस मॉडल में बहुत सारे एक बदलाव भी कर सकती है। अब हालांकि यहाँ पे आपको कम से कम 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजन भी आपको देखने को मिल सकता है, और साथ में 1.5 लीटर का TSI इवोक इंजन आपको देखने को मिल सकता है। जहाँ पे 1 लीटर इंजन के अगर हमें बात करता हो, तो यहाँ पर 115 BHP की पावर और 200 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, और साथ ही में 1.5 लीटर में आपको 148 की पावर और 250 Nm का टॉर्क आपको जनरेट देखने को मिल सकता है। अब ये आने वाले समय में ही फोक्सवैगन कंपनी अपनी कार जब लॉन्च करेगी, तब एक नई पेशकश ही उनके माध्यम से होने वाली दोस्तों। और दोस्तों, दूसरी बात है कि होंडा कंपनी की तरफ से, जी हाँ दोस्तों, जापानीज कार मेकर होंडा कंपनी अपनी होंडा सिविक की 11th जनरेशन सिविक आने वाले 17 नवंबर को क्या कर रही है, मतलब लॉन्च करने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, एक प्रोटोटाइप होंडा सिविक का एक नया वर्जन, प्रोटोटाइप वर्जन क्या कर रही है यह कंपनी लॉन्च कर रही है, जहाँ पे इस 11th जनरेशन होंडा सिविक में आपको LED DRL आपको देखने को मिलता है, रेप अराउंड आपको टेल लैंप मिल सकते हैं, एक अलग ही फीचर्स के साथ ये कार दोस्तों लॉन्च होने जा रही है। और इस कार का एक जबरदस्त कंपीट आपको हुंडई इलेंट्रा के साथ और स्कोडा ऑक्टिविया के साथ देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स दोस्तों, आज एक इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल लेवल पे ऊपर आज क्या होने वाली है, बात होने वाली है, क्योंकि दोस्तों जैसे किया मोटर्स ने इंडिया में एक अपना पहला कदम रखा और जिन्होंने एक जबरदस्त कार लॉन्च की थी किया की सेल्टॉस, और वो भारी 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 देखा जाए तो प्रॉफिटेबल कार थी एक इंडियन लोगों के लिए, वैसे ही देखा जाए तो एक फ्रेंच कार मेकर PSA ग्रुप जो भारत में सिट्रियन के ब्रांड के माध्यम से एंट्री करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सिट्रियन कार जो आपने सुना होगा, ये इस ब्रांड के माध्यम से क्या करने जा रही है, फ्रेंच कार मेकर PSA ग्रुप अपने भारत में एंट्री करने जा रही है। हालांकि ये सुनने में आया है कि कंपनी की जो पहली कार होने वाली है C5 Aircross, जहाँ पे देखने को मिल सकता है एक एक जबरदस्त कम्पैक्ट SUV का पैकेजेस, एक जबरदस्त फीचर रिस्टिक कार जो आपको कम से कम 25 से 28 लाख के बजट में इनकी ये C5 Aircross अपने को देखने को मिल सकती है दोस्तों। और यहाँ पे गौरतलब है कि ये टोटली कार मेड इन इंडिया होने वाली है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि
टोटली गर्व होने वाला है कि भले ही एक फ्रेंच कार मेकर हमारे इंडिया में एंट्री करने जा रही है, पर फिर भी वो मेड इन इंडिया कार क्या करने जा रही है, एक ब्रांड यहाँ पे हमारे देश में बनाने जा रही है। तो ये बहुत ही एक अच्छी बात है दोस्तों। C5 Aircross की जो एक ब्रांड है, एक कार का जो मॉडल है, अब देखा जाए तो यहाँ पे एक टोटली एक मेड इन इंडिया कार होने वाली है, जहाँ पे आपको 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन देखने को मिल जाता है। अब 1.2 लीटर पेट्रोल टर्बोचार्ज इंजन, यहाँ पे आपको 130 bhp का पावर जनरेट देखने को मिल जाता है। अब साथ ही में आपको सिट्रियन की इस सब कॉम्पैक्ट SUV में 1.2 लीटर एस्पायर पेट्रोल इंजन मिल जाता है और 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन भी आपको मिल जाता है, जो मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ दिखा जाएगा आपको यहाँ पे। वो टोटली गेयर बॉक्स, मतलब मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गेयर बॉक्स के साथ आपको ये कार सिट्रियन देखने को आने वाले 2021 में मिल सकती है दोस्तों। फ्रेंच कार मेकर तो लॉन्च होगी तब होगी, पर इसके आने वाले समय में अगर कड़ी टक्कर दे सकते हैं तो उसमें देखा जाए तो मारुति सुजुकी की ब्रेजा हो गई, फोर्ड की इको स्पोर्ट हो गई, किया की सोनेट हो गई, महिंद्रा की XUV300 हो गई, ये सभी कार इसको कॉम्पीट दे सकती हैं। क्योंकि फ्रेंच कार मेकर को अपने इंडिया में भले ही मेड इन इंडिया कार बननी चाहती है, तो फिर भी उनको कम से कम थोड़ा ना थोड़ा वेट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि भारतीय लोगों के मन में एक अलग छाप छोड़ना ये बहुत मुश्किल है। हालांकि ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर देखा जाए तो ये बहुत मुश्किल काम होता है। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी इनसाइड द यूनिवर्सल बॉक्स न्यूज कैसे लगी है हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और दिवाली में आपने ऐसा कौन सा धमाका किया है हमें भी ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। स्टे सेफ दोस्तों, स्टे हैप्पी, और आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इनसाइड द यूनिवर्सल बॉक्स को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर बताइए कि हमारी इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा। तो दोस्तों, चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक ऐसे ही नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। Every single day.